भाइयों, सेक्स और हैप्पीनेस आज का हमारा विषय है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, सेक्स से हैप्पीनेस मिलती है। और इस विषय में ये भी बताना चाहता हूँ कि भारत को अब डिप्रेशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलने लग गए हैं। यहाँ पे इतने सारे डिप्रेशन के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, और खास तौर पे यंग लोगों को। तो इसका मतलब ये है कि सेक्स से हैप्पीनेस नहीं मिल पा रही है। हम लोग एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे मिल सकती है। तो हैप्पीनेस का मतलब क्या है? हैप्पीनेस का मतलब है एब्सेंस ऑफ तकलीफ, माने तकलीफ दुख ना हो, तो जो मन का स्टेट होता है उसी को हैप्पी स्टेट बोला जाता है। तो बहुत सिंपल सा होती है बात कि भाई आप तकलीफ को तकलीफ ही मत मानिए। मगर यहां पे ऐसी मुसीबत है बच्चों के ऊपर कि सबको एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाना है, बड़ा से बड़ा अफसर बनना है, किसी को जिद हो गई है कि मुझे भाई आईपीएस बनना है, किसी को जिद हो गई है आईएएस बनना है, और उसके पीछे बरसों लगे रहते हैं, कुछ बन पाते हैं, कई गुण ज़्यादा नहीं बन पाते। ऐसे आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन की होड़ लगी हुई है, कुछ का एडमिशन होता है, कईयों का नहीं होता। खबर आने लग गई है कोटा में कई लड़कों ने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, मेडिकल स्टूडेंट्स कईयों ने सुसाइड कर लिया कि इतनी पढ़ाई इतनी मेहनत और उसके बाद नतीजा क्या निकलता है। तो इसलिए काफी सारे क्रिकेटर्स भी क्रिकेट छोड़ छोड़ के चले गए, भाई मेरे में वो तेंदुलकर जैसा पैशन और टैलेंट नहीं है। तो हो क्या रहा है देश में? तो सबसे पहली बात है कि बच्चों को आप सिखाइए कि आप टेंशन मत करो। हर कोई, हर इंसान यहाँ पे एक मकसद पूरा करने के लिए आया है। अब उसकी जरूरी नहीं कि उसका मकसद क्रिकेट में ही चमकना हो, और जरूरी नहीं कि उसको आईआईटी बनके ही अपना मकसद पूरा करना हो। तो हम लोग जो है अच्छा मनुष्य, ह्यूमैनिटी के वैल्यूज के संबंध में, मानवता के संबंध में बच्चों से कोई बातचीत ही नहीं करते। मानवता तो अब दूर होती जा रही है, इसलिए खुशियाँ कम होती जा रही है, अफसोस दुख बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब हम लोग सेक्स के जरिए इस अफसोस दुख को कैसे दूर कर सकते हैं? अफसोस दुख एक बार मन में घिर जाता है ना, तो बच्चा, लड़का या कोई भी पुरुष हो, युवक हो, वृद्ध हो, अपने को वर्थलेस, बेकार का समझने लगता है। फिर उसको लगता है कि मैं तो बेकार का हूं, चलो भाई एक आध बार सेक्स किया जाए। और इसी चक्कर में लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन का रोग हो जाता है। तो हैप्पीनेस एक चीज है जहां पे किसी चीज की आप परवाह मत करिए, और अपने ऊपर उतने ही काम करिए जितना आप कर सकते हो, और अपनी जो गुण है, मानवता के गुण है, मदद करना, दया करना, दान करना, अपने से नीचे लोगों की सपोर्ट करना, इनको आप जगाइए। इनको जगाने से एक मन में खुशी का भाव आता है, कुछ करने का इच्छा और बढ़ती है, और जैसी खुशी का भाव आता है आपका सेक्स और व्यक्तिगत जीवन एवं विवाहित जीवन सब सुंदर और अच्छा होने लगता है। इसलिए याद रखिए, हैप्पीनेस इज नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ अनहैप्पीनेस। अनहैप्पीनेस इज ऑल्सो नथिंग वेन यू थिंक that the problems is a part of life। मतलब जीवन में समस्या तो आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, कोई बात नहीं, आ गई, अच्छा भाई बैठ जा। तो इस तरह से लाइटली जीवन लीजिए, हंसने की आदत डालिए। हंसी नहीं आती इतनी आसानी से। आप बड़े से बड़े कॉमेडियन को पूछ लीजिए कि लोगों को हंसाना कितना मुश्किल काम है। लोगों को हंसने की आदत डालनी होगी, बेबात ही हंसने की आदत डालनी होगी। और एक बार ये आदत पड़ जाए तो बड़ा से बड़ा काम मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं सेक्स एंड हैप्पीनेस।